निगम चुनाव में मेयर पार्षद के नॉमिनेशन वापस लेने के दौरान बुधवार को राजधानी भोपाल और देवास में जमकर पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। देवास में निर्दलीय पार्षद के लिए पर्चा भरने वाली महिला नामांकन वापस लेने के बाद जमकर रोने लगी। रोते रोते वह अचानक परिसर में बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी। परिचित ने किसी के धमकाने पर नामांकन वापस लेने की बात कही। उधर भोपाल के वार्ड 41 से कैंडिडेट शेख सलीम और उनकी बहू शेख नाजिया कलेक्टोरेट में धरने पर बैठ गए हैं। शेख सलीम की कांग्रेस नेता मोहम्मद फहीद से नाम वापसी की बात पर विवाद हो गया था। नौबत झूमा झटकी और गाली गलौज तक पहुंच गई। नाराज सलीम ने पूर्व महापौर सुनील सूद से खुद की जान को खतरा बताया और पुलिस से सुरक्षा मांगी। करीब आधे घंटे तक पॉलिटिकल ड्रामा चला। दीपिका पति जगदीश शर्मा निवासी कालानी बाग की रहने वाली हैं। उन्होंने वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद पद के लिए निर्दलीय नामांकन जमा किया था। बुधवार को वह नाम वापसी के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट पहुंची थी। वह डरी सहमी थी। नामांकन वापसी के बाद वह बाहर आई और पति परिवार से लिपट कर रोने लगी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कुछ दूर जाकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी। माँ को रोता देख बच्चा भी रोने लगा। दीपिका के परिचित का कहना था कि नामांकन वापसी के लिए कुछ लोग धमका रहे थे। राजधानी के वार्ड 41 से कांग्रेस ने मंगलवार रात में ही टिकट बदला था। मोहम्मद फहीम की जगह मोहम्मद सगीर को टिकट दिया गया, जो 4 बार के पार्षद रहे हैं। इसी वार्ड से शेख सलीम ने भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने मोहम्मद सगीर को अधिकृत किया था। इसके चलते शेख सलीम बहू नाजिया के साथ नामांकन वापस लेने कलेक्टोरेट पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन वापस भी ले लिया था और जा रहे थे कि उनकी मोहम्मद फहीम से तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल सलीम पूर्व महापौर सूद के बारे में कुछ कह रहे थे, जो समर्थक मोहम्मद फहीम को नागवार गुजरे। इस बात पर दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। बात गाली गलौच और झूमा झटकी तक पहुंच गई। सलीम का आरोप है कि बड़े नेताओं से उन्हें जान का खतरा है, इसलिए पुलिस सुरक्षा दी जाए। करीब आधे घंटे के बाद मोहम्मद सलीम और उनकी बहू कोहे फिजा पुलिस के साथ वापस लौटे। कांग्रेस के एक बागी प्रत्याशी को मनाने के लिए विधायक पीसी शर्मा खुद कलेक्टोरेट पहुंच गए। 2:30 बजे शर्मा पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इससे गहमागहमी का माहौल बन गया। भोपाल में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी हंगामा किया। सुरक्षा चाहिए। मजदूरी के लोग मजदूरी के लोग धमकी दे रहा, मैं अकेला आया हूँ, मुझे धमकी दे रहा है। निकाल रहे ऑफिस से, उनके अब्बा का ऑफिस है, हमको निकालने वाले होते कौन है वो।